देसी स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा खत्म होने के बाद अब टेलीविजन मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होने के आसार नजर आ रहे हैं। चीनी टेलीविजन ब्रांड पहली बार भारतीय टेलीविजन बाजार में पिछड़ने लगे हैं। काउंटरपॉइंट टेक्नोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में चीनी ब्रांड्स की टीवी शिपमेंट हिस्सेदारी 33.6% रह गई है, जो अप्रैल जून 2022 में 35.7% रही। अनुमान है कि जुलाई और अगस्त में चीनी ब्रांड्स की टीवी शिपमेंट हिस्सेदारी कम होकर 30% पर आ गई है। इसकी वजह है कि चीनी कंपनियां अपनी नकदी खर्च को कम करने पर फोकस बढ़ा रही हैं। इसके लिए उन्होंने कम मार्जिन वाले सेगमेंट से किनारा करने का फैसला किया है, जिससे उनकी बिक्री में गिरावट आ गई है। OnePlus और Realme जैसे चीनी ब्रांड्स तो जल्द ही भारतीय टेलीविजन बाजार से बाहर निकल सकते हैं या यहाँ पर अपना कारोबार काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बिक्री कम होने की दूसरी वजह भी है। सैमसंग, LG जैसे बड़े ब्रांड्स ने केवल मिड और प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करने की रणनीति को अब बदल दिया है। इन कंपनियों ने अब अपने एंट्री लेवल टीवी के दाम भारत में घटा दिए हैं। इससे सैमसंग, LG और सोनी के मिड सेगमेंट और प्रीमियम मॉडल्स ग्राहकों में अपनी जगह बना रहे हैं। सैमसुई और एसर जैसे दूसरे ब्रांड्स भी अब अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इससे ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ गए हैं और चीनी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी लगातार घटती चली जा रही है। एक वक्त था जब भारत में टीवी मार्केट में एंट्री लेवल सेगमेंट में केवल चीन की कंपनियों का ही दबदबा था। OnePlus, Xiaomi, TC और Realme जैसे चीनी टेलीविजन ब्रांड्स ने बेहद कम कीमत में स्मार्ट टीवी लॉन्च करके दिग्गज ब्रांड्स को धूल चटा दी थी। इसकी वजह थी कि इन सस्ते टीवी को बेचने में मार्जिन कम था और प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। इन चीनी ब्रांड्स ने LG, Sony और Samsung जैसे जमी हुई कंपनियों के मुकाबले 50% तक कम दाम में एंट्री लेवल के टीवी लॉन्च करके इस सेगमेंट से दिग्गज ब्रांड्स को तकरीबन बाहर ही कर दिया था। इसी तरह स्मार्टफोन बाजार में भी चीनी ब्रांड्स बीते एक साल से भी ज्यादा वक्त से अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी कंपनियों का 7,000 से 8,000 रुपए से कम कीमत वाले एंट्री लेवल सेगमेंट से बाहर हो रहा है। अब चीनी ब्रांड्स का फोकस अपने मार्जिन में सुधार करना है, जिसके लिए वो मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग, एप्पल और दूसरे ब्रांड्स को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस गिरावट के बावजूद चीनी ब्रांड्स की अभी भी भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी बरकरार है।